अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेन्यू है मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ आज क्या क्या बनना है। यहाँ पे बनेगी पहले फ़िश फ्राई और साथ ही साथ मैं आज शामी कबाब बनाने वाली हूँ, तो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार दिखा दूँगी। यहाँ पे फ़िश फ्राई और साथ ही साथ शामी कबाब, और यहाँ पे जो है मैंने करेले कट करके रखे हैं बारीक बारीक स्लाइसेस में कट करके, इसको मैं फ्राई करके निकालूँगी करेलों को। और साथ ही साथ यहाँ पे एक वेजिटेबल ग्रेवी बनाएंगे, बहुत ही जो टेस्टी बनता है वो वाला वेजिटेबल ग्रेवी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ बनेगा वाइट राइस, तो वेजिटेबल करी होएगी, फ़िश फ्राई होएगी, शामी कबाब होएगा और साथ ही साथ करेले फ्राई होंगे। तो आज का मेन्यू इतना है, तो बनाने लगते हैं फटाफट से। जो ग्रेवी बना रही हूँ इसके लिए मैंने पीसेस ना थोड़े बड़े बड़े लिए हैं, यानी तो अगर मैं कुछ चाकना बनाती या सूखी सब्जी बनाती तो मैं छोटे पीसेस कट करती, लेकिन मुझे बनानी है ग्रेवी तो मैं उसके हिसाब से लूँगी। इससे खाली प्लेन कैप्सिकम की ग्रेवी बनाते हैं तो इसके पीसेस बड़े बड़े करने चाहिए, लेकिन मैं पूरा मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ तो इसलिए मैंने एक हिसाब से ही पीसेस कट करे हैं। और कैप्सिकम से ना डबल टेस्ट बन जाता है, हर ग्रेवी में किसी में भी डाल लो तो उस कैप्सिकम की वजह से ना टेस्ट दुगना हो जाता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और कैप्सिकम हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आप लोग उसके लिए भी ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम ले लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने बैंगन कट करके निकालना है, और साथ ही साथ ना ऑनियन टमाटर का मैं पेस्ट भी बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास कोकोनट नहीं है, कोकोनट पाउडर है तो उसके साथ अवेलेबल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे मुझे फ्रेश पीस रही हूँ। कोकोनट टमाटर ऑनियन का एक फाइन सा पेस्ट बनाऊंगी जो मैं हर रेसिपी में वो वाला ग्रेवी के लिए बनाती हूँ, तो उसे तीनों को मिक्स करके पीस के बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने बैंगन भी कट कर लिया है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या तरकारी या मतलब वेजिटेबल यूज़ करा वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है कैप्सिकम, बैंगन और कैरेट लिया है, साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पीनीज दो तीन ली है, तो बच्चे ज़्यादातर घर में वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, पसंद भी नहीं करते इतना ज़्यादा, तो मैं उनके हिसाब से इस तरह बनाती हूँ। अगर इस तरह वेजिटेबल का बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी होएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा और हमें अच्छा भी लगेगा कि बच्चे वेजिटेबल्स खा चुके हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, इसका सूप बनानी है, पहले इसको वेजिटेबल को उबाल लें, टर्मरिक और नमक मतलब हल्दी और नमक डाल के इसको अच्छी तरह उबाल लें, फिर उसका पानी निकाल के बच्चों को खाली पिला सकते हैं या राइस में डाल के उनको खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू लिया है, पीनीस लिया है, बैंगन, गाजर और साथ ही साथ लिया है कैप्सिकम। तो यहाँ पे मैं भिंडी भी ग्रेवी में डालने वाली हूँ, लेकिन इसको अलग काटूंगी, इसको वॉश पहले ही कर दिया है, अगर बाद में वॉश करेंगे इन सब्जियों के साथ मिला के तो चिपचिपाहटपन आ जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले इसको अलग से कट कर लिया। अब हम यहाँ पे ग्राइंड करेंगे ऑनियन, टमाटर और साथ ही साथ कोकोनट पिसा हुआ ग्राइंड कर लेंगे, एक अच्छा सा पेस्ट बना लें, पहले वेजिटेबल्स धो लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने करेले फ्राई करने के लिए यहाँ पे ले लिया आयरन की कढ़ाई जो अच्छी तरह गर्म हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तेल। ये वाली कढ़ाई की खासियत ये है कि पहले इसको अच्छी तरह धो लें, फिर उसके बाद बनाने लग जाएं, और बनाने के बाद ना तुरंत ही इसमें से निकाल दें, यानी तो इसका रंग चेंज कर देता है। जो भी कुछ चीज़ बनाते हैं ना फौरन निकालना पड़ता है, यानी तो फिर इसका जो कलर, जो हमारी सब्ज़ी बनती है या कुछ भी ग्रेवी बनती है तो उसका कलर ना चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसमें सूखी सब्जी बनाते हैं फौरन निकाल लेते हैं। तो ऐसा कि मैंने यहाँ पे कढ़ाई में अच्छी तरह ऑयल गर्म करने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी करेले, क्योंकि करेले अच्छी तरह फ्राई होने के बाद हम फटाफट से निकाल सकते हैं, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे करेलों के लिए ये वाली कढ़ाई ली है। आज इसमें अच्छी तरह फ्राई करेंगे फिर उसके बाद निकाल लेंगे। तो ऑयल गर्म होते मैंने डायरेक्टली करेले डाल दिए, कुछ अदर सब्जी इसमें मतलब अदर स्पाइसी मसाले नहीं ऐड करें, मैंने करेले पहले हाफ अच्छी तरह तलना है, इसी तेल में तलेंगे, हाफ तलने के बाद हम इसमें बेसिक्स मसाले जो हमारे होते हैं वो वाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ग्रेवी की तैयारी होने लगी है। यहाँ पे मैंने ऑनियन और टमाटर को छील लिया है, मतलब कट कर लिया है, रफली चॉप करा है मैंने, तो क्योंकि पेस्ट्री बनाना है, बस इसमें से थोड़ा सा कोकोनट डालेंगे, इतना नहीं डालना है मुझे, बस इतना सा कोकोनट लेंगे, यही मेरे लिए काफ़ी है। अगर आपके पास कोकोनट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग कोकोनट का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो वेजिटेबल्स मैंने कट करके धोए हैं और इसको मैं ग्रेवी बना रही हूँ, अगर इसमें से एक दो वेजिटेबल्स आपके पास कम है तो भी चलेगा, कोई नहीं, लेकिन कैप्सिकम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा करेले फ्राई होने लग गए हैं, हाफ फ्राई के बाद मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड करूँगी जब तक मैं इनका फाइन सा पेस्ट बना लेती हूँ।
तो यहाँ पे करेलों की जो कढ़ाई थी वो वाली मैंने यहाँ पे रख दिया, फिक्स कर दिया इसको इस स्टोव पे, ताकि स्टोव पे करेले ना आराम आराम से बनते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि इसको हाफ फ्राई होने के बाद बेसिक्स मसाले डालेंगे फिर इसको अच्छी तरह तलेंगे, तो मुझे करेले की खुशबू ना बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे करेले बन रहे हैं और यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए कुकर रख दिया, मतलब पैन रख दिया, पैन में ऑयल डाल लिया। ऑयल जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा पहले मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ भिंडी, ताकि भिंडी पहले फ्राई करके निकालूंगी ताकि ग्रेवी में मुझे चिपचिपाहट ना नज़र आए। अच्छा, चिपचिपाहट से ना कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, मुझे भी ऐसे ही तरह है, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई करके निकाल लूँगी तो पूरी वाली ग्रेवी में चिपचिपाहटपन नहीं रहेगा, तो मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करके निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भिंडी फ्राई कर लिया, उसके बाद डाल दिया ऑनियन। अच्छा, ऑनियन के साथ साथ ना थोड़ी सी करी लीव्स डालूँगी, इसकी खुशबू कुछ अच्छी आती है, तो वेजिटेबल सब्जी में ये बनता ही है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने आधे करेले फ्राई कर दिए और अब मैं यहाँ पे डालूंगी बेसिक्स मसाले, बस ज़्यादा कुछ नहीं, अपने सादे सीधे बेसिक्स मसाले। पहले यहाँ पे मैं डालूंगी टर्मरिक, यहाँ पे मैंने हाफ स्पून के करीब डाला है टर्मरिक, और इसके साथ साथ डालेंगे हम थोड़ा सा, मतलब अपने स्पाइसी के हिसाब से चिल्ली पाउडर डालेंगे, मैंने यहाँ पे एक स्पून लगा दिया है चिल्ली पाउडर, और साथ ही साथ यहाँ पे डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, बस मैंने कुछ नहीं डाला है, मिर्ची, हल्दी और नमक, तो मैंने इतना ही डाला, एक स्पून चिली पाउडर, हाफ स्पून टर्मरिक पाउडर एंड टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड किया। अब इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, इसको कड़वापन भी आ जाएगा इसमें, ये फ्राई करके इतना कड़वापन भी नज़र नहीं आएगा हमें, और खाने में भी ना बड़ा टेस्टी लगता है, जब ये फ्राई होते हैं ना इसकी खुशबू से ही दिल करता है खाने, औरों का तो मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे करेले बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं इस तरह फ्राई करके खाती हूँ ना खाली मुँह ऐसे ही जैसे चिप्स खाते हैं ऐसे ही खा लेते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी की तरफ आते हैं, तो ग्रेवी में देखिएगा यहाँ पे हो गई है मेरी ऑनियन गोल्डन हो गई है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, यहाँ पे 100 स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करा है। अब इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, फिर इसमें भी ऐड करेंगे वही बेसिक सादे मसाले, तो बस यहाँ पे थोड़ी सी सॉल्ट, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, और यहाँ पे देखिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने डाला था अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया इसको, अब यहाँ पे भी हम जो है बेसिक मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, मैं इसलिए पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करती हूँ ताकि कच्ची स्मेल जो है खुशबू और चले जाए। यहाँ पे मैंने टर्मरिक ऐड कर दिया और उसके साथ साथ हम यहाँ पे चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, अरबिक स्टाइल में मैं बना रही हूँ, वो लोग ना स्पाइसी में इतना ऐड नहीं करते, इतना क्या ज़्यादा ऐड ही नहीं करते वो लोग, मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐड कर ली है क्योंकि हम स्पाइसी के बिना खाने की आदत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कॉरिडर पाउडर मैंने 2 स्पून लगा लिए और मैंने चिली पाउडर थोड़ा सा डाल लिया। अब डालते हैं हम टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट यहाँ पे, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी कच्ची खुशबू है वो चले जाए और हमारा मसाला जो है अच्छी तरह भून जाए। तो यहाँ पे पहले मैं अच्छी तरह तल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने वेजिटेबल्स पहले जो मसाला तला मैंने अच्छी तरह तला है, तेल निखर के ऊपर आ चुका है, तो इसके बाद यहाँ पे जो हमने वॉश करे वो वाले वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसको अच्छा सा एक मिक्स देंगे ताकि मसाला और वेजिटेबल्स है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद हम 2-3 सेकेंड तक इसको अच्छी तरह भूनेंगे और वेजिटेबल्स को और मसाले को दोनों मिक्स करके, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया है ऑनियन, टमाटर एंड कोकोनट, उसका पेस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे लास्ट टाइम पे भिंडी, क्योंकि भिंडी इसमें पहले ऐड किया नहीं जाता है, मैंने ऑलरेडी उसको फ्राई करके भी निकाल चुकी हूँ, इसलिए हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल को और मसाले को अच्छी तरह तल लिया, अब मैं यहाँ पे जो पिसा हुआ हमारा पेस्ट है वो वाला ऐड कर दूंगी यहाँ पे। बस अब इस मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद वो वाला भी मैं यहाँ पे मिक्स कर दूंगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने कितना अपने को पानी की, मतलब ग्रेवी कितनी ज़रूरत है, थिक ग्रेवी या पानी ग्रेवी जैसी हमें ज़रूरत है इस हिसाब से मैंने यहाँ पे
पानी ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ भिंडी को, तो भिंडी को लास्ट में ऐड करेंगे तो इसमें चिपचिपाहट नहीं रहेगी, और हमने फ्राई करके निकाल लिया तो टेस्ट इसमें अच्छा सा आएगा और भिंडी हमारी जो है टूटेगी नहीं। अब मैं इसमें लगाऊंगी बस सिंपल सा, दो विजिल लगा के स्टोव बंद कर दूंगी, क्योंकि वेजिटेबल है इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता, आराम से गल जाती है। बस मैं यहाँ पे दो विजिल्स लगाऊंगी, वो भी आलू है और इसमें कैप्सिकम है, इस वजह से मैं दो विजिल्स लगानी है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे करेले देखिएगा अच्छी तरह फ्राई हो गए, तो मैंने यहाँ पे दो काम चुका दिए। बस अब मुझे बनानी है शामी कबाब और साथ ही साथ करनी है फिश फ्राई। ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार आप लोगों को फिश को जो मसाला दिखाती हूँ वही वाला लगाया है मैंने, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि क्या मसाला मैंने फिश को लगाया है। तो यहाँ पे देखिएगा ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो और थोड़ा सा उबाल आएगा तो मैं कर दूंगी स्टोव बंद, और इसको भी मैं साइड में कर दूंगी और रख दूंगी फिश फ्राई के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुकर बंद कर दिया और यहाँ पे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं बनाती हूँ शामी, तो शामी कबाब को मैं गला लेती हूँ। गलाने के लिए मुझे यहाँ क्या क्या चाहिए मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने लिया है बीफ, आप बीफ के शामी कबाब बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे लिया है मैंने बीफ को लिया है, और यहाँ पे मैं पहले ऐड करूँगी 3 ग्रीन चिली, और साथ ही साथ यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा नारियल, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐड करिएगा। और यहाँ पे मैं साबुत लहसुन मीन्स छिला हुआ गार्लिक जो है वो ऐड करूँगी, और यहाँ पे जो है मैं एक ऑनियन को रफली चॉप करा है वो वाला ऑनियन यहाँ पे ऐड करूँगी, और यहाँ पे जो मैंने 2-4 सूखी मिर्ची ली है, और इसके मैं ये दंड निकाल के ये वाला भी यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे जैसा मैंने मिर्ची का पाउडर साबुत मिर्ची डाला था उसके ऊपर मैंने डाला है चने की दाल, और टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, हरा धनिया और टर्मरिक का पाउडर डाला है, मीन्स हल्दी का पाउडर 1 स्पून डाला है, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डाला, थोड़ा सा हरा धनिया, और साथ ही साथ चने की दाल ऐड करी है मैंने। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूंगी, उसके बाद हम लगाएंगे विजल्स। हमारा बीफ जो है कहाँ तक गलेगा उसके हिसाब से हम डालेंगे, इसको ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस सूखी सूखा इसको गलाना है ताकि हम इसको बाद में ग्राइंड कर सकें, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो ग्राइंड नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पे रख लिया मैंने थोड़ा सा पानी डाला, मतलब हाफ ग्लास इतना पानी डाला है, और मैंने गलाने के लिए रख दिया है। जब तक वो गलेगा यहाँ पे देखिएगा करेले फ्राई हो चुके हैं, और मैंने तुरंत ही एक प्लेट में निकाल लिया है, तो करेले के चिप्स जो है तैयार हो गए और मुझे बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे करेले तैयार हैं, बस फिश फ्राई करनी है मुझे, और इसका विजल्स आने के बाद हम इसको ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे सीटी लगा ली थी, और पानी देखिएगा कुछ भी नहीं है, बस अच्छी तरह ड्राई हो गया। इसको ठंडा होने के लिए मैंने एक प्लेट में लगा दिया, जब ठंडा हो जाएगा हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा इसी में पीसने की पूरी बारीक सा मतलब बारीक ज़्यादा नहीं, ठीक सा पीसने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुआ तो बस थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऐड करेंगे, फिर ये अच्छी सा पीस लेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम कबाब, मतलब शामी कबाब। तो यहाँ पे उसको मैंने अच्छी तरह उसको ठंडा करा, उसके बाद जो है जार में छोटे वाले जार की मदद से इसको मैंने एक पेस्ट बनाया है, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी लगा, मुझे ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पानी लगा, इसको मैंने अच्छी तरह पीस दिया। आप चाहे किसी भी शेप में इसको शेप दे सकते हैं, मैंने आज यहाँ पर राउंड शेप बनाया है ताकि जल्दी हो जाए, तो राउंड शेप से बना रही हूँ, और अब हम फ्राई करके निकालेंगे तो मेरा काम जो है आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने ज़्यादा पानी इसमें यूज़ नहीं कराया था, ताकि जब ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं ना तो जो हमारी शामी तेल में जब डिप करके हम फ्राई करते हैं तो वो फूट जाती है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फ्राई कर मतलब पिसा हुआ है, मतलब पेस्ट बनाया है, इस तरह मैंने सूखा सूखा रखा है, इसमें इसकी मदद से सूखा रहेगा तो हमारे तेल में शामी कबाब जो है फूटेगी नहीं। तो मैं यहाँ पे तवा रख लिया स्टोव पे, और ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया, तो मैं यहाँ पे अभी डालती हूँ। अच्छा आप लोगों की शामी कहीं टूटती हुई नज़र आ रही तेल में डालने के बाद, पहले एक डाल के चेक करिए, अगर टूटती हुई नज़र आ रही थोड़ा 2 स्पून कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो अंडे में जो व्हाइटनेस होता है उसमें डिप करके फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा मैंने अपने शामी कबाब जो मैंने बनाए थे वो वाला यहाँ पे डाल दिया, अब मैं फ्राई करके निकालूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ से अच्छी तरह फ्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे घुमाया है दूसरी तरफ को फ्राई होने के लिए, और ऑयल इतना ही डाला था मैंने जितना यहाँ पे ज़रूरत है, अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो आराम से फ्राई तो हो जाएगा लेकिन हमारा ऑयल जो है वेस्ट होएगा, मैं इसके हिसाब से ऑयल वेस्ट नहीं करना चाहती थी, ताकि इसी के हिसाब से मैंने ऑयल डाला था, और ऑयल में फ्राई भी हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा फ्राई हो गया, बस अब नीचे की तरफ से फ्राई हो जाएगा, फिर हम कर लेंगे सर्व,
तो हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तो हम कर लेंगे सर्व। यहाँ पे मेरी वेजिटेबल करी जो है तैयार हो गई है, एकदम बढ़िया सालना, मतलब कलर से ही मालूम हो जाएगा कितना टेस्टी लग रहा है। और एमी ग्रेवी बनी है, तो देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, वाइट राइस तैयार हो गया और सब कुछ तैयार हो गया, बस अब हम करेंगे सर्व। तो यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो चुका है, यहाँ पे वाइट राइस तैयार है और साथ ही साथ यहाँ पे वेज करी जो एमी टेस्टी बनी है वो वाला तैयार है, और साथ ही साथ यहाँ पे फिश फ्राई तैयार है, और हमारा यहाँ पे शामी कबाब तैयार है, और यहाँ पे हमारे करेले फ्राई तैयार है, और साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी ऑनियन कट कर ली है, वो भी अच्छी लगती है फिश के साथ और शामी कबाब के साथ। यहाँ पे मॉर्निंग को बनाई हुई खिचड़ी भी तैयार है। तो अब हम चलते हैं गर्मा गर्म खाने के लिए। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर लीजिएगा। अगर आप लोग कोई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बिना भूले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस और इजी एंड क्विक रेसिपीज आप तक पहुंच जाएं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। अल्लाह हाफिज़।